मैं इस धरती की मिट्टी में पुनः मिलने से पहले मैं चाहता हूं कि इसका थोड़ा कर्ज चुका के जाऊं। ये शिक्षा प्रदान करने से बेहतर और कोई रास्ता नहीं हो सकता। मेरा नाम शरद कुमार पांडे है। मैं शासकीय हाई स्कूल शाहपुर में माध्यमिक शिक्षक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। इस साल लॉकडाउन जैसे ही प्रारंभ हुआ और अचानक इस समस्या से बच्चों की पढ़ाई 6, 7, 8 जो कक्षाएं मैं पढ़ाता हूँ रुक गई। मैंने सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की सोची और हम लोगों ने पूरे गर्मी भर अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पढ़ाई करी। फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके जहां हम लोग नहीं पहुंच पा रहे थे। 28 जून को ये घोषणा हुई कि अब हम शिक्षकों को मोहल्ला कक्षा लेनी है, 6 जुलाई से प्रारंभ करनी है मोहल्ला कक्षा। मोहल्ला कक्षा लेने लगे तो दिक्कतें आईं, चूँकि मेरा विषय विज्ञान का रहा है, मुझको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए या कोई चीज़ ड्रॉ करने के लिए बोर्ड की आवश्यकता पड़ती। फिर मैंने एक वाइट बोर्ड खरीदा और मोटरसाइकिल पर लेकर के घूमने लगा। अच्छा रिस्पांस रहा, बच्चे बहुत उत्साह से सारी प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों की भीड़ लग जाती है। कई सारे विद्यालयों में इस तरीके की चीज़ों को अपनाएं, जैसे पहली बार मैंने ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ किया मोहल्ला कक्षाओं के लिए। ऑनलाइन प्रपत्र मैंने विकसित किया, सभी लोग ऑनलाइन टेस्ट लेने लगे। कुछ चीज़ें मैंने सोची एक नवाचार के रूप में और वो काफ़ी लोकप्रिय हुई। बहुत मुझको प्रसन्नता होती है कि इस तरीके से चीज़ें मैं कर पाया बच्चों के लिए और क्षेत्र के बच्चों के लिए, देश के बच्चों के लिए। शिक्षा अत्यंत आवश्यक है।